स्वागत करता हूं गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम बात करने वाले हैं फायरबोल्ट की दो कॉलिंग वॉचेस के बारे में। एक तरफ है फायरबोल्ट की इनविंसिबल जो कि 6000 रुपीज़ से लेके 7500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट तक आपको मिल जाती है। दूसरी तरफ है फायरबोल्ट की थंडर। अब इसका प्राइस एग्जैक्टली तो नहीं पता बट कुछ सोर्सेस बता रहे हैं कि 3200 रुपीज़ हो सकता है, कुछ 35 बता रहे हैं, और वैसे मेरे को लग रहा है कि 5000 के अंडर अंडर होने वाली है। मतलब आप समझ लीजिए 35 to 5000 रुपीज़ तक के बीच में हो सकती है। मेरे ख्याल से 4999 भी हो सकती है जैसे कि फायरबोल्ट की ऑलमाइटी थी, क्योंकि इसमें भी एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इसमें भी एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और फीचर्स कुछ ना कुछ अलग है, बट ऑलमाइटी के साथ भी आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा। बट आज हम करने वाले हैं फायरबोल्ट इनविंसिबल के साथ कंपैरिजन इसका। और एक और चीज़, अगर आपने फ्लिपकार्ट से अभी तक शॉपिंग की है बट आप एक और एप्लीकेशन नहीं जानते हो जो फ्लिपकार्ट की ही इंडोर्स है, तो उससे आप शॉपिंग करिए, आपको अपने ही परचेज़ पे कैशबैक मिलेगा, जिसका नाम है शॉपसी। यस, आपने सही सुना, शॉपसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हो तो उससे अगर शॉपिंग करते हो तो अपने ही परचेज़ पे आपको कैशबैक मिलता है। मैं मैक्सिमम चीज़ें उसी से मंगाता हूँ। मैंने ईयरबड्स भी मंगाए थे अभी, ज़ेब्रॉइंस के साउंड बॉम 3, तो उस पर मेरे को कैशबैक मिला मेरी ही परचेज़ पे। तो आप भी आज से ही उसको ट्राई कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाके वहाँ से 50 रुपीज़ का कैशबैक और अप्लाई कर सकते हो, साथ में आपको जो हर प्रोडक्ट पे वो तो मिल ही जाएगा। तो आज इंस्टॉल करो और बेनिफिट लो। बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों वॉचेस की। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं इनविंसिबल थोड़ी सी आगे निकल जाती है। डिस्प्ले साइज़ बड़ा है इसका, बट यहाँ पे थंडर में डिस्प्ले साइज़ छोटा है और पिक्सल साइज़ भी कम है, और इनविंसिबल में पिक्सल साइज़ भी ज़्यादा दे रखा है। यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपके वेस्ट थिन है तो आपको थंडर के लिए जाना चाहिए, और मीडियम या लार्ज वेस्ट के लिए आप इनविंसिबल के लिए जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है और यहाँ पे पिक्सल साइज़ भी बड़ा मिल जाता है। आगे बात आती है, यहाँ पे रेस्ट वेक दोनों में ही है, ऑलवेज ऑन का फीचर भी मिल जाता है आपको, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोनों में ही आपको एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, डीप ब्लैक्स पंची कलर्स देखने को मिलते हैं और लाइफ लाइक पर आप दोनों में ही लगा सकते हो। वाइब्रेंट स्क्रीन मिलती है दोनों की ही। 2.5D कर्व ग्लास यूज किया गया, प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी नहीं बताया, बट कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास आपको यूज किया जाता है हर एक वॉच में। और यहाँ पे शार्पनेस की बात करूँ तो इनविंसिबल थोड़ी सी ज़्यादा शार्प आती है, बट थंडर भी कम नहीं है, 326 पिक्सल पर इंच की आपको शार्पनेस मिल जाती है, एज कम्पेयर टू इनविंसिबल में आपको 462 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है। अब बात करें यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही वॉचेस की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिस्प्ले के मामले में दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। बट यहाँ पे जो छोटी डिस्प्ले वाली वॉच पसंद करते हैं तो वो थंडर के लिए जा सकते हैं, बट इनविंसिबल में अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में दोनों को ही अच्छे मार्क्स देना चाहूँगा। अब बात करते हैं वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो और गैलरी में से कोई भी मैच को ऐसा वॉच फेस आप लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे इनविंसिबल में एक बहुत यूनिक चीज़ है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस वॉच फेस इनबिल्ट है वॉच में। यस, आपने सही सुना, 100 वॉच फेस आपको वॉच में ही मिल जाते हैं, आप कभी भी उसको इंटरचेंज कर सकते हो, बट थंडर में आपको कुछ बिल्ट इन ही मिलते हैं जैसे कि 5 से 6 या 7 8, और अलग से आप ऐड नहीं कर सकते, अलग से आपको क्लाउड बेस मिल जाएंगे, वो बस लास्ट वाली चेंज होता रहेगा। बट इनविंसिबल में आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं 100, तो आप बहुत सारे लगा सकते हो, क्योंकि इसमें इनबिल्ट मेमोरी बहुत ज़्यादा मिल जाती है आपको, 8GB ऑफ इनबिल्ट मेमोरी मिल जाती है। आगे बात आती है, यहाँ पे अपने को ऐसा वॉच फेस आप लगा सकते हो और लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट भी मिल जाता है। आगे बात करते हैं फिटनेस ट्रैकिंग की, तो इनविंसिबल में हंड्रेड्स ऑफ आपको क्लाउड बेस वॉच फेस भी मिल जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं, और थंडर में सिर्फ 30 मिलते हैं, तो यहाँ पे इनविंसिबल बहुत आगे निकल जाती है। IP67 की रेटिंग है इनविंसिबल में, थंडर में IP68 की रेटिंग मिलती है। उसी के साथ साथ 75% तक की एक्यूरेसी मिलेगी आपको इनविंसिबल में, एक्यूरेसी लेवल डाउन ही है इसका, तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थंडर में एक्यूरेसी लेवल स्लाइटली बेटर मिलता है, बट डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में मिल जाते हैं, बट एक्यूरेसी लेवल उतना खास नहीं जितना मतलब सिर्फ फिटनेस वॉचेस का होता है, तो यहाँ पे कॉलिंग वॉचेस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों पे कंपनी ध्यान देती है, तो ओवरऑल आपको जो क्वालिटी मिलती है वो थोड़ी सी लो ही मिलती है। आगे बात आती है यहाँ पे जो सेंसर्स हैं, दोनों में ही आपको सारे के सारे सेंसर मिल जाते हैं, बट थंडर में आपको टेम्परेचर मॉनिटर का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है जो कि इनविंसिबल में नहीं है। तो स्पोर्ट्स मोड में मैं कहना चाहूँगा इनविंसिबल आगे निकल जाती है, बट अगर हम बात करें ओवरऑल सेंसर्स की तो थंडर आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, कॉलिंग फीचर मिलता है प्रॉपर्ली, रिप्लाई बैक नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप वाइब्रेशन के थ्रू आपको अलर्ट्स भी मिल जाएंगे, टून्स के थ्रू रिंग टोन्स के थ्रू आपको अलर्ट्स भी मिल जाएंगे, कॉलर आईडी कॉल को कट म्यूट कर पाओगे, प्रॉपर्ली डायल कर सकते हो, डायल पैड मिलता है, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, और स्पीकर और माइक का सपोर्ट तो मिल ही जाता है दोनों ही वॉचेज़ में। और स्पीकर की क्वालिटी किसकी अच्छी है, इनविंसिबल की थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो स्पीकर साइज़ है थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। थंडर में आपको स्पीकर साइज़ उतना बड़ा नहीं है, बट ओवरऑल क्वालिटी इसकी भी ठीक है, बट नॉइजी इन्वायरमेंट में आपको दोनों ही वॉचेस से दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे फुल टच मैल है, स्मूथ है, स्ट्रेट लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 देखने को मिलता है दोनों में ही, और फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, TWS पेयरिंग का ऑप्शन भी दोनों में मिल जाता है, और AI वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन भी मिलता है। अब गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इनविंसिबल में 1500 सॉन्ग्स तक आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि 8GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, बट थंडर में कितनी मेमोरी दी गई है वो बताया नहीं है, इसमें बस बोला है कि म्यूजिक ऑन द वॉच, तो वॉच में आप म्यूजिक सुन सकते हो, TWS पेयरिंग का ऑप्शन भी है, बट एग्जैक्टली बताया नहीं है, क्या पता इंटरनल मेमोरी हो या ना हो कि आपके फ़ोन से ही कनेक्टेड रहे, तो ये मैं कभी कन्फर्म नहीं कर सकता जब तक सेल डेट इसकी आनी जाती है।
एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर में इनविजिबल डेफिनेटली बहुत आगे है थंडर से, और टिपिकल यू आई मिलता है एक में कस्टम यू आई, आई वॉच वाला मेन्यू मिल जाता है, एक लिस्ट वाला और एक ग्रिड वाला, और इनविजिबल में 2 से 3 मेन्यू उसमें मिल जाते हैं, लिस्ट, ग्रिड और आई वॉच वाला मेन्यू, और ड्यूअल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है। गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो अपना लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ड्यूअल बटन एक आपका स्पोर्ट्स मोड पर जाने के लिए और एक आपका मेन्यू पर जाने के लिए मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी डेफिनेटली इनविजिबल की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थंडर, और 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम दे देती हैं। और यूजेज टाइम की बात करूँ तो ऑन द पेपर क्लेम किया गया इनविजिबल में 15 दिन का, और थंडर में आपको 7 डेज का रन टाइम क्लेम किया गया है। मैग्नेट के लिए चार्ज हो जाती है दोनों ही वॉचेस, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि 15 से 18 वाट के चार्जर से चार्ज करो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्चुअल यूजर्स की बात करो तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 5 दिन का रन टाइम मिल जाएगा, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं कॉल वॉल उठा रहे हो तो 1 से 1.5 दिन या 2 दिन चल पाएगी। आपके यूजेस पैटर्न पर डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता, कंफर्म नहीं कर सकता। अब बात आती है मेन फीचर्स की। HR मॉनिटर तो आपको दोनों में देखने को मिल जाता है 24/7, SP2 लेवल मॉनिटर भी मिल जाता है, और थंडर में आपको BP मॉनिटर मिसिंग है, बट इनविजिबल में BP मॉनिटर है, बट यहाँ पे इनविजिबल में टेम्परेचर मॉनिटर नहीं है जो कि थंडर में मिल जाता है। तो थंडर में आपको टेम्परेचर मॉनिटर का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, और स्लीप ट्रैकिंग भी आपको दोनों मिल जाता है, कैलरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक्यूरेसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं एक्यूरेसी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। सैनिटरी रिमाइंडर भी मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे ब्रीद रिलैक्स का मोड भी आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की टॉप नॉच है, एल्युमिनियम की केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है। यहाँ पे वॉच का जो वेट है वो ऑलमोस्ट इनविजिबल का 10 ग्राम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थंडर, और 22 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया। तो आफ्टर मार्केट का अगर आपको यूज़ करना है तो 22 mm आपको बाय करना पड़ेगा दोनों ही वॉचेस के लिए। उसी के साथ साथ TPU स्ट्रैप की क्वालिटी आपको मिल जाती है, सिलिकन होता तो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता, मेरे को TPU स्ट्रैप उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, स्किन में इरिटेशन हो जाती है, बट अगर आप यूज़ करते आए हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बट मेरे को पर्सनली सिलिकन जो स्ट्रैप्स हैं वो पसंद आते हैं। अब बात आती है यहाँ पे मेन बिल्ड क्वालिटी की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डायल पूरा मेटेलिक है मतलब, और बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी में टॉप नॉच काम किया गया फायरबोर्ड की तरफ से। अब आते हैं प्राइसिंग पे। तो गाइस यहाँ पे थंडर अगर हम देखें तो 1000 रुपये सस्ती आती है अगर इस प्राइस को लेके चलें, 5000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट को लेके चलें, बट अगर ये उससे कम में आती तो और भी अच्छा है, क्योंकि हमको तो जितनी कम प्राइस में जितनी अच्छी वैल्यू मिल सके वो मैं प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे इन्विजिबल की अगर मैं बात करूँ 599 रुपीज़ की कभी कभी सेल पे चली जाती है, कल भी थी, मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है टेकपोक का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे हम शेयर डील्स को शेयर करते रहते हैं बहुत सारी, तो वहाँ पे भी आप ग्रैब कर सकते हो बहुत सारी डील्स को। यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्लूजन की तो ओवरऑल यहाँ पे थंडर जो आपको पैकेज लेके आती है वो अच्छा है, बट इनविजिबल आपको जो पैकेज लेके आती है वो थोड़ा सा और डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, और बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, इनबिल्ट मेमोरी मिल जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि थंडर में अवेलेबल नहीं है। और थंडर में आपकी टेम्परेचर मॉनिटर एक्स्ट्रा मिल जाता है, बट फिर सिर्फ टेम्परेचर मॉनिटर के लिए तो आप ऐसा नहीं दे सकते ना, बट ये भी है कि थंडर में आपको एक्यूरेसी स्लाइटली बेटर मिलती है, इनविजिबल में एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपको थंडर के लिए जाना चाहिए विद कॉलिंग, बट अगर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर नहीं करता, कॉलिंग आपको ज़्यादा प्रेफर करती है, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए आपको और इनबिल्ट मेमोरी चाहिए, साथ में आप साथ में अगर TWSP को पेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली इनविजिबल आपके लिए बेटर रहेगी। तो गाइज़ मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग, अगर आपका क्वेरी रह जाता है इसके बाद भी तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, शॉपसी एप्लीकेशन को आज इंस्टॉल करो और अपनी परचेज पे कैशबैक कमाना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।